आजमगढ़ में 13 सहायक अध्यापक नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। बीएसए ने इन सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी व वेतन रिकवरी के साथ एफआईआर के भी आदेश दिए हैं। इन सहायक अध्यापक पर फर्जी अंक पत्र के सहारे नौकरी करने का मामला सामने आने पर ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत प्राथमिक विद्यालयों में चयनित सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में 13 अभ्यर्थियों के अंक पत्र केवल आजमगढ़ जिले में फर्जी पाए गए हैं। इन अध्यापकों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व मध्यमा का अंक पत्र अपने अभिलेखों में लगाया था। जांच के बाद विश्वविद्यालय द्वारा सभी को फर्जी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बीएसए ने इन सभी को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर 2017 तक स्पष्टीकरण के लिए भी बुलाया था, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इस मामले में बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे का कहना था कि नोटिस में उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो भी उपस्थित होकर स्पष्टीकरण नहीं देगा उसके बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने अपने अंकपत्र फर्जी होने पर कुछ भी नहीं कहना है। इसी आधार पर 13 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को निरस्त करते हुए उनके द्वारा आहरित वेतन रिकवरी के साथ एफआईआर का आदेश दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा के इस मंदिर में जहां गुरु लोगों को जो है धर्म और सदाचार का पाठ पढ़ाता है, ऐसे में इन गुरुओं पर इस तरह की कार्रवाई कितनी जायज है। ये जो 15,000 की सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी परिषदीय विद्यालयों में, इसमें उसके बाद सत्यापन कराया जाता है, मूल अभिलेख का संबंधित यूनिवर्सिटी से बोर्ड से सत्यापन कराया जाता है। तो ये 13 लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री थी इनकी पूर्व मध्यमा, तो उस सत्यापन में फर्जी पाया गया। उस रोल नंबर पर दूसरे बच्चे का निकला वहाँ से, तो ये फर्जी मार्कशीट थी, इसलिए इनको नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब इन्होंने दिया लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं हुए, और दो बार मौका दिया गया इसलिए इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और इनके रिकवरी के आदेश दिए गए। जो इनको वेतन दिया गया उसकी रिकवरी कराई जाएगी, साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।